नमस्कार, स्वागत है आपका आज दिन भर के कार्यक्रम में। मैं हूं अनु शर्मा। तो आइए सबसे पहले रुख करते हैं प्रमुख गतिविधियों की ओर। पगड़ी रस्म और पारंपरिक वाद्य यंत्रों की गूंज से राज्य स्तरीय हमीर उत्सव का किया गया आगाज। उपायुक्त कार्यालय में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को पगड़ी पहनाने के बाद शहर में धूमधाम से निकाली गयी शोभा यात्रा। प्रदेश मंत्रिमंडल में रिक्त स्थान पर अपनी दावेदारी मजबूत करने के लिए सरकागार्ड के विधायक कर्नल इंदर सिंह ने हमीरपुर में मुख्यमंत्री के साथ की मुलाकात। जनता के आंसू निकाल रही बढ़ती प्याज की कीमतों को लेकर सुजानपुर के कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा ने भाजपा की केंद्र सरकार पर किया तीखा हमला। मोदी बताएं कि प्याज के लिए लॉकर कब खुलवा रहे हैं और कब तक सत्ता छोड़ रहे हैं, कहा कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा ने। डीएवी पब्लिक स्कूल थर्मल कॉलोनी पानीपत में हिमाचल जॉन ऑल इंडिया एथलेटिक प्रतियोगिता करवाएगी, जिसमें भारत के समस्त डीएवी स्कूलों की एथलेटिक टीमों ने हिस्सा लिया। हमीरपुर के डीएवी पब्लिक स्कूल की छात्राओं ने एथलेटिक प्रतियोगिता में जीते 1 स्वर्ण पदक और 5 रजत पदक।